एवरीवन, वेलकम टू बुमेनिया, दिस साइड सौम्या। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, यानी गोल्ड के प्राइस, सोने का जो दाम है आपका, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से सोने का जो दाम है यानी गोल्ड का जो प्राइस है, आप उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं, वो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, हाल फिलहाल में क्या जो है वो सोने का प्राइस चल रहा है, पूरी की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसी के साथ लाइक कीजिएगा। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि जो गोल्ड के प्राइस है वो दिन प्रतिदिन आपके यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब क्या कारण है, जैसे कि आप जानते हैं कि देखो, एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। सबसे पहली अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब महंगाई जो है अगर बढ़ती रहेगी तो नॉर्मल सी बात क्या है, आपका जो सोने का दाम है वो भी आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो महंगाई जो है वो एक फैक्टर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सप्लाई चेन, यानी अगर सोना जो है मार्केट में वो कम हो जाएगा तो उसका जो दाम है वो बढ़ जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये जो मैं आपको भी बता रही थी, ये वही है जैसे डिमांड और सप्लाई। भाई अगर जो है कोई किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, या आप इस तरीके से मान लीजिए कि आपकी 3 गोल्ड की चेन है, ठीक है, मार्केट में, और 3 ही गोल्ड की चेन है, पर उसको खरीदने वाले जो है वो 10 लोग हैं। उसको खरीदने वाले कितने हैं, 10 लोग हैं। तो अब लोग जो है वो ज्यादा है, चीज जो है वो कम है, यानी 3 ही है, तो किनको वो चीज मिलेगी, तो कैसे पता चलेगा। जो दुकान वाला होगा वो क्या बोलेगा, एक काम करता हूं मैं इसके दाम बढ़ा देता हूं, फिर देखता हूं इनमें से, इन 10 लोगों में से किसमें ताकत है और जो इसको खरीद लेंगे, ठीक है, और जिसमें ताकत होगी वो खरीद लेगा। यानी कि जब सप्लाई कम होता है, जब मार्केट में वो वस्तु कम होती है, तो उसके उसको जो उसका जो दाम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये जो है पूरा डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है। तो जो सप्लाई है गोल्ड की वो कम हो गई है और डिमांड जो है वो उतनी ही है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो बढ़ गया है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है अभी हाल फिलहाल में, जैसे कि आप जानते हैं कि जो है बहुत सारी कंट्रियों में वॉर चल रहा है, जैसे आपने रशिया यूक्रेन में जो है वॉर देखा, उसके पहले क्रीमिया को रिलेटेड, क्रीमिया को लेके, क्रीमिया एक आइलैंड है जो कि रशिया और यूक्रेन जिसके लिए लड़ रहे थे, अब वो रशिया के कब्जे में है, ठीक है, तो उस पे वॉर चल रहा था। अब उसके बाद जो है बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ रशिया और यूक्रेन का, जहां पे बहुत सारे लोग जो है उनकी मृत्यु हुई, बहुत सारी मिसाइलें हमने देखी कि जो है यूक्रेन पूरा ही एकदम अस्त ध्वस्त हो गया, ठीक है। और उसके बाद इजरायल जो है, इजरायल का अपना अलग मुद्दा चल रहा है, ओके, जहां पे आप देखेंगे ईरान ने रिसेंटली अभी मिसाइल अटैक करा है, ड्रोन अटैक करा है इजरायल पे। इजरायल बोल रहा है वो भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी दोबारा अटैक करेगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख लीजिएगा वो मेरे चैनल पे। अब उसके बाद इजरायल का जो इशू है पैलेस्टीन के साथ, वो भी चल रहा है, ठीक है। और 80% एरिया ऑलरेडी इजरायल जो है, 80 से ज्यादा बल्कि 95% एरिया ऑलरेडी इजरायल जो है वो ऑक्यूपाई कर चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे फिर इजरायल का सीरिया के साथ भी जो है मिसाइल अटैक चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने इजरायल ने जो है मिसाइल छोड़ दी थी सीरिया पर, और सीरिया में जो मिसाइल छोड़ी थी उसमें से एक मिसाइल जो है वो ईरान की जो डिप्लोमेसी होती है, यानी कि उनका जो एम्बेसी होती है, हर कंट्री में अगर आप देखेंगे, जैसे भारत में भी राजीव चौक पे आप जाइए, ठीक है, वहां पे हर कंट्री की एम्बेसी आपको मिलेगी, सिंगापुर की एम्बेसी मिलेगी, यूएस की, सबकी मिलेगी। तो इसी तरीके से हर कंट्री में हर किसी की एम्बेसी होती है, ठीक है। सो वहां पे आप देखेंगे कि जो एम्बेसी थी आपकी ईरान की, इट इज हिट बाय दैट मिसाइल, जिसकी वजह से वो जो एम्बेसी थी वो, उसको जो है चोट पहुंची थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ईरान ने बोला था कि भाई जो है हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिसके कारणवश हमने कल ही देखा कि ईरान ने जो है ड्रोन अटैक किया इजरायल पर। अब इजरायल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, उसने भी बोला कि हम भी जो है वापस से रिटेलिएट करेंगे, और इसके चलते ईएमपी बॉम्ब जो है वो छोड़ा गया। ईएमपी बॉम्ब इजरायल ने बोला हम छोड़ देंगे ईरान के ऊपर, अगर ऐसा हुआ तो ईरान जो है बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। कैसे, बिजली की जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, यानी बिजली सप्लाई नहीं होगी आपकी। अब ये सोचिए अगर हमारे घर में 1 घंटे लाइट ली जाती है, हम कितना परेशान हो जाते हैं। और अगर ईएमपी बॉम्ब जो है इजरायल ने छोड़ दिया, तो उसके बाद ईरान की हालत क्या होगी, क्योंकि कहीं भी बिजली नहीं होगी, सारे ट्रांसफॉर्मर सब फूक जाएंगे, तो ये एक बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। और भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, भारत चाहता है हमेशा से पीस रहे। तो कुल मिलाकर ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है चीजें, ठीक है, वॉर चल रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मार्केट में वॉलिटिलिटी आ रही है, इनस्टेबिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड के दाम जो है यहाँ पे आप बढ़ोतरी देखते हो। देखो, ये एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, अगर ऐसा नहीं है भारत में कोई चीज हुई उसका इम्पैक्ट कहीं और नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, या अगर कहीं और कोई चीज हुई तो उसका इम्पैक्ट भी जो है भारत में बिल्कुल पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जो है हमारी G20 की थीम, जैसे
वासुदेव कुटुंबम, वी ऑल आर वन फैमिली, ठीक है। सो अगर फैमिली में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होगी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो सभी चीजों पे पड़ेगा और सभी पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे हमें गोल्ड के प्राइस देखने को हाई मिल रहे हैं। तो अब और क्या कारण हो सकते हैं, और ये कारण है कि जो आपके सेंट्रल बैंक है, यानी चाइना का जैसे सेंट्रल बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो भी जो है, क्योंकि गोल्ड जो है एक सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है, एक रिलायबल सिक्योरिटी है, तो बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जो है वो खींच रहे हैं मार्केट से। अब मार्केट में गोल्ड की कमी हो रही है और दाम डिमांड उतनी ही है, जिसकी वजह से दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। अब मैम कितना दाम बढ़ा वो बताइए। 71,000 जो था वो अभी 3 दिन पहले गोल्ड का दाम था, पर हाल फिलहाल में अब ये बढ़ के हो गया है 73,000, और अभी ऐसा माना जा रहा है कि और बढ़ेगा। अब ये ओ माय गॉड मूवमेंट है कैसे भाई, सोना तो जो है डॉलर से भी लगता है आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या सोना डॉलर से आगे निकलेगा, ठीक है, ये एक जो है बड़ा यहाँ पे सवाल होगा, देखना होगा कि जो है इस बार सोना जो है वो डॉलर को भी मात दे देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा, ये पूरी सिचुएशन आपकी अभी आर्थिक रूप से चल रही है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके की करंट अफेयर्स मैं लेके आती रहूंगी। आप जो है शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।